क्या ऐसी बात रही मैडम जिससे पार्टी को छोड़ना पड़ा, क्या ऐसी बात? मैंने कहा ना शुरू से कि जिस तरह से शर्तों के साथ समझौता करने को कहा जाता है, तो महिलाओं को, महिलाओं का शान सम्मान और स्वाभिमान जहां सुरक्षित नहीं रहेगा, चाहे किसी भी व्यक्ति, जनता जो बिहार की जनता है वो आप पर विश्वास करके, आप जिनके खिलाफ जो अभियान चलाए जंगल राज के खिलाफ, आज फिर उस जनता को धोखा देकर और फिर उनसे जाकर मिल रहे हैं, तो आप तो ऊपर में सरकार बनाने के लिए आपस में मिल जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या हाल होता है ये तो किसी कोई नहीं बता सकता है। जनता जो आप पर भरोसा करके दी है, तो आप तो जनता के भरोसे पे खड़े नहीं उतरे हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जिस सिद्धांत के साथ लोग पार्टी में आता है, काम करता है, मैंने भी किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह के शर्तों पर समझौता करने के लिए कहा गया, गिरे हुए लोगों के सामने घुटने टेकने के लिए कहा गया, मैं इन सब चीज़ों के लिए कतई तैयार नहीं हूँ और मैं अपने स्वाभिमान मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी शर्त पर राजनीति नहीं कर सकती। शराब माफियाओं की चलती है, शराब माफिया आपके संरक्षण में रहते हैं और गरीब लोगों को खाली बोतल भी घर में अगर उनके मिलते हैं तो आप उन्हें जेल में बंद करते हैं। पहले नियंत्रण करने की ज़रूरत है माफियाओं को, जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अपराध की बात है, आपका USP अपराध पर नियंत्रण था, हाल के दिनों में जिस तरह से आपने क्रिमिनल्स को जेल के बाहर लाने के लिए जिस तरह से जेल के नियमों में बदलाव किया, उससे तो महिलाएं सशंकित जरूर हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं फिर से वही जंगल राज। तरह से आज के डेट में शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, समाज में उनकी इज्जत नहीं रखी जा रही है, कैसे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? आज तो सरकारी स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में, जिसके माँ बाप बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते, वही बच्चे पढ़ते हैं, शायद इसलिए वैसे शिक्षकों को बेइज्जत किया जाता है, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर, पहले ठेके पर आपने शिक्षक फिर से बेइज्जती करना चाह रहे हैं, यही BPSC का एग्ज़ाम लेके आप पहले ही कर देते। आप क्यों नहीं अधिकारियों को कहते हैं जो IAS हैं उनको कि फिर से आप UPSC कम्पीट करके एक बार आ जाओ, फिर आपको आगे काम करने दिया जाएगा? आखिर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनमें कलीवर होगा तभी वो पढ़ा रहे हैं, आखिर दूसरे और तीसरे क्लास के बच्चे को पढ़ने के लिए कितने BPSC की ज़रूरत होगी? BPSC का किसी भी नियम, कोई भी नियम आज तक बना है तो तत्काल प्रभाव से प्रभावित होता है, लेकिन जो 15-20 साल से शिक्षक काम कर रहे हैं उन लोगों को भी BPSC का परीक्षा देना पड़ेगा, ये तो विडम्बना है। तो आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, जिस तरह से सरकार, जिस तरह से बिहार के लोगों को ठग रही है। मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस तरह की पार्टी में, जहां महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, जहां महिलाओं को राजनीति करने के लिए डिमोरलाइज किया जा रहा है, डिमोरलाइज कर और उसके बाद राजनीति सही ढंग से करने का परमिशन मिल रहा है, मैं इस तरह की पार्टी से, मैंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहाँ है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।